डिस्क्लेमर भाई खुद पढ़ लो। इस वीडियो के सभी पात्र और पात्राएं काल्पनिक, मुझे छोड़ के बाकी अगर किसी को कुछ दिक्कत हो इस एपिसोड से या जो हिंदी डब किया गया है इस एनिमे से तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, बहुत मेहनत से इतना लंबा चौड़ा लिखे। हाँ मुझे याद है मेरा पहला फैमिलियर जो था वो एक विशाल का अंडा था। हाँ उसको लेके मैं काफ़ी खुश था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रैगन केवल उसी में आ सकता था और वही मेरा ड्रैगन फैमिलियर था। लेकिन लोग हंसते थे कि ये अंडा कभी ड्रैगन नहीं बन सकता। वाओ, ये तो काफी कूल है क्रिस। हाँ ये सच में तुम्हारा फैमिलियर तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा लग रहा है। ये कितना अच्छा है। देखो अभी तक नहीं पता इसमें क्या निकलेगा क्रिस। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये कब निकलेगा, लेकिन जब इससे कोई ड्रैगन निकलेगा तो मुझे बताना जरूर। उस वक्त किस तरह कपड़ा से लपेट के रखा है और तब से मैं उसे जानता हूँ। क्या हुआ भैया, इसका रेट कितना है? क्या लैक्टोज डिनर में अच्छा रहेगा? मुझे एक डेजर्ट चाहिए। चलो चलो। नहीं ऐसे भी तुम्हारा बैलेंस डाइट जरूरी है, इसको खा के हम मोटे हो सकते हैं और ये सेहत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। मुझे बस और भी तो खाना है खाने के लिए, और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। मैं नहीं करूँगा ये सब बकवास चीजों में, मुझे पैसा नहीं गिराना, हमें एक महीने का चलाना है राशन। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें किसी और दिन इसे खरीद के दे दूंगा। ओके हे तुम ये क्या कर रही हो? ये बीप भी कितना यम्मी है। कैसे बच्चा ऐसा है बिल्कुल। वर्मिल इतनी बचकानी हरकतें क्यों करती है? ठीक है मैं तुम्हें एक दिला दूंगा। क्या? ठीक है पर एक ही दिलाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। ओ थैंक यू। हे रुको, तुम ये क्या कर रही हो वर्मिल? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मैं तो बस तुम्हारा माना ड्रेन नहीं कर रही थी। ये इतना सबके सामने ये ठीक नहीं है। तुमने ही तो कहा था ना अगर दो बंदे प्यार करें तो कहीं भी किस कर सकते हैं। हे मैंने ऐसा कब कहा? अरे ये क्या, ये तो पब्लिक प्लेस है। ओ तो ऐसा है, तो मैं तुम्हारा माना लूंगी फिर। चलो तो मैंने पूछा तो सही। बंट आई, मुझे खुश है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। चलो इधर आओ, बॉस को कुछ हुआ है हमारे ब्रो को। तब तुम्हें कैसा लग रहा है कैप्टन क्रिस? खुश तो अभी तुम बहुत होगी। अरे इसको क्या हुआ? लगता है कि तुम उससे डर लाल मुझका। डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें मिलो फिर मेरा नाम मत कहो। उम्मीद है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। लगता है तुम्हें इससे काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा तो तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। क्या हुआ तुम्हें कैप्टन क्रिस? क्या तुम ड्रैगन राइडर्स की ओनर नहीं थी क्या? तुम्हारे अंदर का दम कहाँ गया? क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना नहीं चाहते? रेक्स, प्लीज रुक जाओ। रेक्स, अच्छे समय पे आए हो। फिर मिलके मस्ती आ करे, क्या तुम इसे बचाने वाले हो? हाँ क्रिस, नहीं उठो क्रिस। सेकंड ईयर आल्टो, प्लीज अपनी जान बचा के भागो। तुमने ऐसा क्यों किया रेक्स? तुम्हें क्या पता रेक्स कौन है? रेक्स मैं नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। ठीक है फिर
पता नहीं क्यों मुझे खुद ही से नफरत हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे लिए काफी बेहतर है, तो क्या तुम इसकी सवारी करना चाहते हो? तो ये कौन था? सावन। ये सब पतंग वाले। क्रिस, क्या तुम ठीक तो हो ना? तुम डेड में हो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आती? तुमने एक लो अपोनेंट से हार गई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसकी गलती नहीं थी इसमें, उसने मुझसे लड़ना नहीं चाहा, इसमें मेरी गलती। अरे कम ऑन रेक्स, उठ जाओ। इसके बारे में पता है कि ये क्या बला है? तुम बता सकते हो मुझे कि ये क्या है? मुझे नहीं पता। वर्मिल इस तरह ध्यान से देख रहे थे, लगा कि हमको पता होगा, उसको शायद पता हो भी लेकिन बता ना रही हो। इसका पीछे भी कुछ कारण हो सकता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।